जो प्रोग्राम होने जा रहा है धर्मतल्ला में 4 तारीख को, इसमें हमारे मेहमान खुसूसी जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसमें हजरत मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम लोग पूरे मगरबी बंगाल के हर ज़िला से हम लोगों की यूनिट है, और हर ज़िला के नुमाइंदे इसमें शिरकत फरमाएंगे, और हम आवाम से भी चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत फरमाएँ। और हम लोग के जो इसमें एजेंडा दिया हुआ है, सबसे बड़ा जो एजेंडा हम लोग के लिए वो कौमी यकजहती को फ़रोग देना एजेंडा है। इसी तरह से हम लोग जो असम में NRC वाला मसला है, उसका मसला है, कौमी मुत्तहिदा का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, और इसी तरह से मसाजिद और मसाजिद की हिफाजत वगैरह का मसला है। इन्हीं चंद एजेंडों के साथ हम लोग रानी राशवानी एवेन्यू में 4 तारीख को 12 बजे दिन वहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसमें शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। काफी दिनों बाद जमात उलमा हिंद ये तकरीब मुनाकिद करने जा रही है, कोलकाता में कोई बड़ा प्रोग्राम लेने जा रही है, जी इस मुतल्लिक कुछ बताएंगे? नहीं, काफ़ी दिनों के बाद नहीं, तो हम लोग का हर साल होता ही है, और छोटे छोटे प्रोग्राम जो है हर ज़िला में हम लोगों के, अगर आप देखेंगे तो कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिस दिन हम लोग का प्रोग्राम नहीं हो पाता है। ये बात और है कि हम लोग मीडिया में नहीं दे पा रहे हैं या मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन हर ज़िला में हर रोज़ाना ही प्रोग्राम हो रहा सिद्दीकुल्ला साहब कुछ दिनों से सियासी हलके में शामिल हो गए हैं, है। ये रियासती हुकूमत के एक वजीर भी हैं, तो उनके जाने से आप लोगों के तंजीम में कोई फर्क या तरक्की या कुछ ऐसा कुछ मामला? नहीं, हम लोग के तंजीम एक अलग चीज़ है और उनके सियासत में जाना एक अलग है। जमीयत के दस्तूर में यह है कि कोई भी आदमी जमीयत का मेंबर होते हुए कोई भी सेकुलर पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो उससे हम लोगों के लिए कोई फर्क वाली कोई बात नहीं। इंतजामिया क्या आप लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है? नहीं, इंतजामिया का तो भरपूर ताउन है, और अभी हम लोग की फिर मीटिंग भी होने वाली है, और हर इजलास से पहले हम लोग का पुलिस के साथ सेटिंग होती है। अब वो हम लोग अपना आपस में देख लेते हैं कहाँ से कौन रास्ता, हावड़ा से कैसे आएगा, सियालदह से, क्योंकि हमारे सर तरफ से जुलूस भी आते हैं और आवाम ट्रकों के जरिए बसों के जरिए भी आती है, तो हम लोग पुलिस से पहले रूट वगैरह इंतजाम कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जिल्लुर रहमान आरिफ है, जिला कलकत्ता का मैं खादिम हूँ, सेक्रेटरी हूँ।